हेलो फ्रेंड्स, मोरवाल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 13 तारीख को पशु परिचर भर्ती के फॉरम ऑनलाइन होने वाले थे, लेकिन अचानक से जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पशु परिचर भर्ती के फॉरम अपरिहार्य कारणों से निरस्त किए जाते हैं, अपरिहार्य कारणों से अभी उसको पोस्टपोन किया जाता है। तो आप सभी के मन में सवाल है दोस्तों, क्या भर्ती पोस्टपोन होगी, क्या भर्ती पूरी होगी या कब तक पूरी होगी? इन सारे सवालों के जवाब लेके आए हम इस वीडियो में। वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम पूरा पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से और पूरी डिटेल से वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे बताया है इसके अंदर जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हुआ है 13/10/2023 को, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। इसमें लिखा है बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट जिसको बोला जा रहा है कि सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन 7/23 जो नोटिफिकेशन का जो नंबर है 7/2023 वो 6/10/2023 को जारी किया गया। जारी कर अभ्यर्थियों को 13/10/2023 से और 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। मतलब इसमें क्या बताया दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके जो ऑनलाइन आवेदन थे वो कल मतलब 13 तारीख से जारी होने थे, लेकिन इसमें कुछ कारणवश या किस कारण से उसको हम आगे देखते हैं, इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया मतलब स्थगित कर दिया है। अब देखिए मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतत् द्वारा स्थगित किया जाता है, मतलब अभी स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने तक यथासमय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। मतलब अभी आपको लगातार बोर्ड की वेबसाइट को वॉच करते रहना है। आपकी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है दोस्तों, ये भर्ती 100% होगी, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अब इसमें देखिए क्या कारण हो सकते हैं वो मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको। विज्ञापन के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत रहेगी। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत रहेगी, मतलब भर्ती 100% होगी, कोई भी चीजें चेंजेस नहीं हुई है, केवल और केवल फॉर्म भरने की डेट चेंज हुई है। आपको लगातार अपनी तैयारी रखनी है, बिल्कुल भी आपको तैयारी को डाउन नहीं करना है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लास से, ऑफलाइन क्लास से, जो आपके पुराने बुक्स हैं उनसे सबसे पढ़ते रहिए दोस्तों। और इसके बारे में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा आपको किस तरीके से पशु परिचर की तैयारी करनी है, क्योंकि यदि आप सटीक और अच्छा पढ़ते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन होने की आपकी जो रेशो है, आपका जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है देखिए, ये इसकी जो वेबसाइट है rsmssbrajasthan.gov.in, इसका आप लोग अवलोकन करते रहें। सोशल मीडिया के कोई भी इस तरीके के अगर आपको भ्रामक जो बताया जाता है भर्ती कैंसिल हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप प्रॉपर नोटिफिकेशन पे जाइए। मैं यहाँ पे आप लोगों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ उसकी वजह यही है दोस्तों। ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे जाकर के आप देख सकते हैं, इसका नंबर है 2634। इसमें बताया गया है कि भर्ती अभी, अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं देखो, इसमें जो कारण है वो ये है, या तो हो सकता है कि टेक्निकल जो वेबसाइट उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, डेटा सेंटर पे कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से फॉरम अभी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी क्या है देखो चुनाव का प्रेशर है, उस वजह से अधिकतर जो बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, उन सब लोगों को चुनाव के काम में लगा दिया गया, चुनाव की मीटिंग्स में लगा दिया गया है। तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकता है उनको कम हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, भर्ती होगी, तैयारी को बिल्कुल अपनी धार देते रहिए और तैयारी को बिल्कुल एक सच्चे और सही वे में ले जाते रहिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इसका देखिए अगला जो नोटिफिकेशन, तो पिछला इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी होता 6/10/2023 को, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है पशु परिचर की जो भर्ती है उसके अंदर जो पद हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के तो 5,281 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 653 हैं, मतलब टोटल पद 5,934 है, जिसमें से हमें जो पद हैं, हमारे जो एरिया के पद हैं वो है 5,281। ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म 100% चालू होंगे, आप लोगों को अपनी तैयारी को जारी रखना है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी आप लोगों को रोकना नहीं है, रेगुलर तैयारी को रखना है, और जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसको पढ़ते रहिएगा। और मैं ये कहता हूँ आपको, इसके अंदर जो राजस्थान की बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, उन बुक्स में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
उसके अलावा अभी जो टेक्निकल जो इसके अंदर पार्ट है, जो पशु परिचर, मतलब आप लोगों को पशुओं की नस्ल के बारे में, उनकी किस उसको जनरल क्या बीमारी हो सकती है, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो लेवल है वो केवल और केवल 10th क्लास का ही लेवल है दोस्तों। इसका जो लेवल है वो केवल 10th क्लास का लेवल है, इसके हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये हमारी जानकारी थी दोस्तों। इसके साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस, जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई सी भी कंपटीशन के एग्जाम हो, उसके वीडियोस मैंने इस पर अपलोड कर रखे हैं, और आपको रेगुलर वो वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।